तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्मार्ट जॉब लाइन में। दोस्तों, जो आर्मी भर्ती 2021 जोधपुर एआरओ वाले जितने भी दोस्तों कैंडिडेट हैं वो इंतज़ार कर रहे थे और असमंजस में थे कि क्या फरवरी 8 फरवरी से वाकई में शुरू होगी। हमने काफ़ी सारे वीडियो इस पर बना दिए हैं, रियल हैं, एकदम 100% सही हैं, कहाँ है, लेकिन ऑफिशियली प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज एक और प्रूफ आया है जिसमें दोस्तों ऑफिशियली जो सिटी रिपोर्टर उदयपुर न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, मैंने ये कटिंग का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरी आपको बता देता हूँ। खेलगांव जो महाराणा प्रताप स्टेडियम है उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में ही है। उसके बाद देखिए 8 फरवरी से होगी सेना भर्ती, ये 100% ऑफिशियली, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर बता देते हैं हम। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि मैं आपको पिक्चर जो बताऊँगा वीडियो के एंड में, ठीक है, किस प्रकार से तैयारी हो रही है। वहाँ पर JCB वगैरह सारी मौजूद हैं और ग्राउंड सही हो रहा है, ठीक है। तैयारियों को लेकर यहाँ पर लिखा ADMCT ने ली बैठक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो उदयपुर में 8 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सेना भर्ती रैली होगी, इसके लिए चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप, ठीक है, जो उदयपुर सिटी है उससे थोड़ा सा मतलब अंदर ही है, देख लीजिए उदयपुर के, तो वहाँ पर चित्रकूट नगर में स्थित महाराणा प्रताप खेल गाँव का चयन किया गया है। रैली की तैयारियाँ और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को ADMCT अशोक कुमार और ADM प्रशासन OP बुनकर की उपस्थिति में कलेक्टर सभागार में बैठक हुई। यहाँ पर देखिए, कलेक्टर जो सभागार है वहाँ पर बैठक हुई है और निर्णय आ चुका है, ठीक है। ADM ने विभिन्न जिलों में आने वाले प्रतिभागियों के रैली स्थल तक पहुँचने एवं उनके ठहराव में भर्ती के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों के निर्देश दिए हैं। इन्होंने खेल गाँव में टेंट, लाइट्स, पेयजल, यहाँ पर बैरिकेड्स और यहाँ पर लिखा है पार्किंग, मतलब साफ सफाई के साथ प्रतिभागियों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। भर्ती स्थल पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम तैनात करने के लिए चिकित्सा विभाग और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके बाद ADM ने अन्य अधिकारियों के साथ खेलगांव का निरीक्षण भी किया है। जी हां दोस्तों, ऑफिशियली भर्ती 8 फरवरी से शुरू होने वाली है, तैयारियों को और मजबूत कर दीजिए। 8 फरवरी से सेना भर्ती होगी, टाइम कितना दिया जाएगा ये भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा था, तो शायद इस बार दोस्तों टाइम पूरा दिया जाए, पूरा जो 5:45 का आपका टाइम है वो दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि लैंसडाउन में सेना भर्ती हुई थी कोटद्वार आपके है उत्तराखंड में, ठीक है, उसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी इस बार शायद कोरोना वायरस के कारण 2 साल से भर्ती आई है, तो इस बार भी टाइम 5:45 दिया जाना चाहिए, ठीक है। आपके इसके बारे में आपको आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या टाइम पूरा देना चाहिए 4:45 और वहाँ पर घड़ी रखनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पर, मैदान के बाहर, जैसे कि दोस्तों हमने पंजाब में जो भर्ती हुई थी उसमें घड़ी रखी हुई थी बाहर, ठीक है, उसी तरह वहाँ पर भी एक घड़ी रख देनी चाहिए और 5:45 टाइमिंग देनी चाहिए, ऐसा नियम करना चाहिए, ठीक है। और लगभग शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि इस बार कैंडिडेट ज़्यादा लेंगे और 50 के लमसम कैंडिडेट को भी पकड़ा जाएगा। और क्वेश्चन एक और ये भी आ रहा था कि नेक्स्ट भर्ती कब आएगी, तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने खुद लाइव आकर कहा है कि इस साल 2 भर्तियाँ होगी, एक तो भर्ती अब फरवरी मार्च में होगी और दूसरी भर्ती आपकी दोस्तों दिसंबर से पहले करवा दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और आपके मन में सेना भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जब तक उदयपुर ये जोधपुर AR की जो भर्ती हैं कंप्लीट नहीं होती तब तक आप हमारे मतलब हम आपके साथ हैं और पल पल की अपडेट सारी न्यूज़ आपको सबसे पहले जो भी अपडेट आएगी वहाँ पर दोस्तों सेना भर्ती की लाइव रिकॉर्डिंग भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि दोस्तों वहाँ पर भी हम जा सकें, ठीक है। तो सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।